Hello student, welcome to biology class. Here we are going to discuss a new topic, that is sexual reproduction in flowering plant. Student, इसके पहले मेरे वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि आप स्टडी कर चुके हो कि व्हाट इज फ्लावर, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर पार्ट्स. आप फ्लावर के विषय में, उनके पार्ट्स के विषय में और उनका डिस्क्रिप्शन आप स्टडी कर चुके हो. अब आप लोगों को ये भी मालूम है कि फ्लावर में कौन कौन से एसेंशियल पार्ट होते हैं, कौन कौन से एसेसरी पार्ट होते हैं. तो क्योंकि ये चैप्टर या ये टॉपिक जो है रिलेटेड है एसेंशियल पार्ट से, और इनको नेसेसरी पार्ट भी बोला जाता है फ्लावर की. और इसके अलावा जो एसेसरी पार्ट आपने पढ़ रखा है जिनको सेपल्स और पेटल्स बोला जाता है, तो यहाँ पर उनकी भूमिका नहीं है. यहाँ पर केवल हम लोग एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी स्टेमेंस और कार्पेल के विषय में डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सेक्सुअल साइकिल में भाग लेते हैं, सेक्सुअल प्रोसेस में भाग लेते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. देज आर टू एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर. एंड्रोशियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, गाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमेट्स बनेगी आगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. तो क्योंकि आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है, तो हम लोग जो है पहले मेल पार्ट के विषय में स्टडी करेंगे, उसके बाद फीमेल पार्ट के विषय में स्टडी करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेल पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम. स्टूडेंट डू यू नो द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज नोन एज स्टेमेन. हियर दीज आर टू फिगर, दीज आर द स्टेमेंस. ये फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं, ये स्टेमेन को शो किया गया है. स्टूडेंट आपको मालूम है कि स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है और दूसरा एंथर होता है. स्टूडेंट एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का काम ये, दिस इज द कनेक्टिव, दिस पार्ट मीन्स दिस पार्ट कनेक्ट एंथर विद स्टेमेन. जनरली एंथर जो पाया जाता है स्टूडेंट, दिस आर द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट. तो ये एंथर जो पाया जाता है जनरली ये बाइलोबल होता है. कुछ फ्लावर ऐसे भी पाए जाते हैं जिसमें वन लोब पाया जाता है, केवल एक लोब पाया जाता है. एक लोब जिनमें पाया जाता है उनको मोनोथीकस एंथर कहते हैं, जिनमें दो पाया जाता है उनको डाइथीकस एंथर कहते हैं. मोनोथीकस एंथर या एक सिंगल लोब वाला मालवेसी फैमिली में, बुढ़ार वगैरह में पाया जाता है. ये आप जो देख रहे हैं ये डाइथीकस है, इसी को बाइलोब्ड एंथर बोला जाता है. स्टूडेंट अब हम लोग एंथर के डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है. स्टार्टिंग में क्योंकि फ्लावर बनेगा तो फ्लावर में छोटे छोटे बर्थ बनती है, यानी पहले सेपल्स बनेंगे, पेटल्स बनेंगे, फिर एंड्रोशियम बनेंगे, फिर गाइनोशियम. तो ये क्योंकि स्टेमेन है, स्टेमेन का जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा जाए तो एक हल्का सा फिलामेंट निकलता है और छोटा सा बर्ड निकलता है. ये बर्ड इसकी अगर इस समय इसका स्ट्रक्चर सेक्शन काट करके स्टडी किया जाए तो इसमें मेन स्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं. और कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद इस ये जो बर्ड है ये धीरे धीरे फोर पार्ट में डिवाइड होना चालू हो जाए, इस टाइप जैसे यहां पर शो किया गया. ये देखो ये फोर पार्ट, इसको यहां पर बड़ा करके दिखाया गया है. ये जो पार्ट देख रहे हो आप, इसी पार्ट को यहां पर बड़ा करके दिखाया गया कि धीरे धीरे ये फोर कॉर्नर्स में डिवाइड होना चालू हो जाए. अब क्या होगा कि इसकी जो सबसे बाहर की लेयर जो पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस. ये शो किया गया यहां पर एपिडर्मिस, ये सबसे बाहर से इसको कवर किए रहती है, अभी पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ. और एपिडर्मिस के अंदर जितनी भी सेल्स पाई जाती है मेरिस्टमेटिक पाई जाती है. फिर क्या होगा कि एपिडर्मिस के नीचे चारों कॉर्नर्स पर, एक कॉर्नर से दो तीन चार, चारों कॉर्नर्स पर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो हाइपोडर्मिस की सेल्स पाई जाती है, जैसे सपोज करिए कि दिस इज द एपोडर्मिस एपिडर्मिस,
ये तो इसके नीचे जो पाई जाती है हाइपोडर्मिस की सेल, इनमें से कोई एक सेल आकार में शेप में बड़ी हो जाए, एपिडर्मिस के नीचे की हाइपोडर्मिस जो है उनमें से कोई एक सेल आकार में बड़ी हो जाएगी, और ये प्रोसेस चलेगी इस कॉर्नर पर भी, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर, चारों कॉर्नर पर चलेगी। उसके बाद ये हाइपोडर्मिस की जो सेल है ये डिवाइड होगी, और इस डिवीजन को बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल का मतलब परिधि के समानांतर, ये परिधि ऐसे बन रही है पेरिफेरी, तो परिधि के समानांतर बन रहा ऐसे, इसको पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि दो सेल बन गई, बाहर वाली जो बन गई इसको प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल, और इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और ये जो हाइपोडर्मिस की जो सेल बड़ी होकर के बनी थी, जो अकेली सेल बनी थी चारों कॉर्नर पर, उसको आर्कीस्पोरियल सेल बोला जाता है, आर्कीस्पोरियल सेल बोला जाता है, वही आर्कीस्पोरियल सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के पीपीसी यानी प्राइमरी पैराइटल सेल और पीएफसी मीन्स प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। आगे चल करके प्राइमरी पैराइटल सेल जो है 3 या 4 डिवीजन या 5 डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के लगातार पैराइटल लेयर्स बनाती है, वॉल बनाती है, ये बनी हुई है वॉल, भित्तियां बनी हुई, ये यहाँ पर और शो किया गया है, दीज आर द वॉल। तो ये बन रही है प्राइमरी पैराइटल सेल से, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या करती है, ये आगे चल करके स्पोर मदर सेल को बनाती है। स्टूडेंट जब ये बड स्टेज में होता है एंथर इस टाइप, तो ये एपिडर्मिस से केवल ढका होता है और अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, ये केवल जो है एपिडर्मिस से कवर्ड रहता है और मेरिस्टेमेटिक पाए जाते हैं। जब 4 कॉर्नर्स में बढ़ता है तो 4 कॉर्नर्स के बीच में एक करेक्टिव, ये इसमें वाटर की सप्लाई, वाटर और मिनरल्स की सप्लाई की जाती है ताकि इस पूरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स को भोजन की सप्लाई हो सके, यानी कनेक्टिव ये जो है पाया जाता है और यही सप्लाई करता है, एक प्रकार से कंडक्टिंग टिश्यू का काम करता है। स्टूडेंट पैराइटल जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये डिवाइड होकर के 3 या 4 5 डिवीजन द्वारा ये कौन कौन सी लेयर बनाती है इसको समझ लीजिए। सबसे बाहर वाली लेयर आप पढ़ चुके हो एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे वाली लेयर पाई जाती है एंडोथीलियम, उसके नीचे ये सेल्स, ये 2-3 लेयर पाई जाती हैं, 3 लेयर मोटी पाई जाती है इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं मिडिल लेयर, इस टाइप दिस इज द मिडिल लेयर, एंड इनर मोस्ट लेयर दिस लेयर इज नोन एज कैपिटम, ये कैपिटम इसको बोलते हैं। स्टूडेंट इंडोथीसियम की जो लेयर होती है वो थोड़ा मोटी होती है, इसको फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, यहां पर ये शो किया गया, ये है इंडोथीसियम, इसकी जो सेल्स होती है थोड़ा मोटी लेयर होती है और इसको फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे जो मिडिल लेयर पाई जा रही है ये 3-4% मोटी, ये जल्दी ही समाप्त हो जाती है, मर जाती है, और मर करके ये डेथ हो जाती है इनकी, और ये जो है जो ये स्पोर्स बनेगी माइक्रो स्पोर्स या पॉलिंग्रेन, इनके न्यूट्रिशन में मदद करेंगे। इसके अलावा टैपिटम की जो सेल्स पाई जाती हैं ये भी नष्ट हो जाएंगी जल्दी, ये मियासिस द्वारा पॉलीप्लॉयड स्टेज में पाई जाती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें भरे होते हैं, पॉलीप्लॉयड स्टेज होती है इनकी, और ये भी जल्दी ही नष्ट होकर के ये बढ़ते हुए पॉलिंग्रेन के विकास में मदद करती हैं और उनके न्यूट्रिशन में मदद करती हैं। ये तो हो गई प्राइमरी पैराइटल सेल के डिवीजन के द्वारा। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या करेगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बहुत सारे डिवीजन द्वारा गोल आकार की बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि स्पोरोजिनस सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो 2n होती है मीन्स डिप्लॉयड, 2n होती है बहुत सारी, ये पहले स्टार्टिंग में तो सब जुड़ी होती है लेकिन बाद में ये गोल होकर के अलग अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। आगे चल करके इनमें प्रत्येक उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन होता है या मियासिस होता है, जिससे 4 माइक्रोस्पोर या पॉलिंग्रेन्स बनते हैं, यानी 4 माइक्रोस्पोर्स आर पॉलिंग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मियासिस इन स्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जितनी मान लीजिए नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल 1000 है तो 4000 माइक्रोस्पोर बनकर के तैयार होंगे, और
इस कॉर्नर में भी, इसमें इसमें इसमें, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये बनते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। स्टूडेंट इसका मतलब है फोर माइक्रोस्पोरेंजियम इसमें पाई जा रही है। तो फोर माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे पॉलिन गेंद भरे होते हैं। वो पॉलिन गेंद जो होते हैं कुछ प्लांट में तो फ्री हो जाते हैं, कुछ प्लांट में आपस में जुड़े रहते हैं, और जुड़ने का तरीका जो होता है उनको टेट्राड बोलते हैं। और जुड़ने का तरीका ये दिखाया गया है, ये इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, इस टाइप का स्ट्रक्चर। इसको आइसोबाइलेटरल बोलते हैं, इसको डेपोसिट बोलते हैं। ये बना टी शेप और ये है लीनियर इस तरह से, यानी ये जुड़ने का तरीका इसमें दिखाया गया है। अगर ये अलग होते हैं तो आगे चल करके राउंड हो जाते हैं, राउंड होने का स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है। अब यही थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, स्टार्टिंग में सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन ये सिंगल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें वैक्यूल डेवलप होना चालू हो जाते हैं, वैक्यूल एक या दो वैक्यूल बनते हैं। ये वैक्यूल क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को एक तरफ किनारे की तरफ घसीटते हैं, यानी एक तरफ ज्यादा ठेल देते हैं। तो क्या होता है आगे चल करके, ये जो पूरी माइक्रोस्पोर की सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, और दोनों के बीच में साइटोकाइनेसिस द्वारा जो है डिवीजन हो जाता है, जिससे दो सेल बन जाती है। एक को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, इसमें फूड रिजर्व होता है, और इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये आगे चल करके दो मेन गैमिट बनाएगी, या तो ये स्टार्टिंग में ही कुछ प्लांट में बना लेती है, या फिर जो है फर्टिलाइजेशन के बाद स्टिग्मा में पहुंचने के बाद जो है वहां पर जर्मिनेशन होता है, उसके बाद बनते हैं टू मेल गैमिट। स्टूडेंट अगर पॉलन गेंद की का स्ट्रक्चर हम स्टडी करें तो इसकी बाहर की जो लेयर पाई जाती है इसको एग्जाइन बोलते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये हार्ड कवरिंग होती है। इसकी वजह से पॉलन गेंद हजारों साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, और इनको कुछ नहीं होता है। इसी वजह से इनको डिफरेंट पॉलन बैंक्स में लिक्विड नाइट्रोजन में करीब -196 डिग्री सेल्सियस पर इनको स्टोर भी कर लिया जाता है फॉर द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। और दूसरी चीज ये है कि इनकी जो बाहर की लेयर है एग्जाइम, ये तो मैंने बता दिया स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, हार्ड होती है, स्टोर किया जा सकता है, फॉसिल भी इसके पाए गए हैं। इसके अलावा इंटाइन जो अंदर वाली लेयर होती है स्मूथ होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इसके अलावा इनके ऊपर माइक्रोस्पोर के ऊपर कुछ पाए जाते हैं जर्म पोर्स, ये जर्म पोर्स है, यहीं से जर्मिनेट करते हैं। जब ये स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो स्टिग्मा में वहां पर जो है जर्मिनेट करने का काम करते हैं, तो यहीं से निकलती है इंटाइन जो है पॉलन ट्यूब बना करके यहीं से निकलती है, किसी एक क्षेत्र से निकलती है। तो ये तो हो गया इसके भीतर में। स्टूडेंट आप लोगों को मालूम है कि आजकल जो है पॉलन टैबलेट्स बनाई जा रही हैं, या पॉलन की सिरप बनाई जा रही हैं, कुछ इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं इंडस्ट्रीज वगैरह ये सब बना रही हैं। क्यों बना रही हैं, एक फूड सप्लीमेंट के लिए। आपको मालूम होना चाहिए हनी बी भी कलेक्शन करती है पॉलन गेंद का, और भोजन के लिए जो है उसका यूज करती है, जो शहद वगैरह बनाती है तो इन पॉलन गेंद का प्रयोग करती है। इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं भरे होते हैं, तो मैंने बताया है फूड रिजर्व का काम करता है वेजिटेटिव, तो इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन वगैरह जो है काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये एक प्रकार से फूड सप्लीमेंट के रूप में भी, टैबलेट्स के रूप में या सीरप के रूप में यूज किए जा रहे हैं। अब उसके बाद आता है कि ये फटते कहते हैं, इनका डिस्टेंस कहते होता है। मान लीजिए पूरी ये बनकर के तैयार हो गई, चारों स्पोरेंजियम इसके अंदर माइक्रोस्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर भरे हुए हैं, टेट्राहेड्रल अवस्था में भरे हैं या इस अवस्था में भरे हुए हैं। जैसे ये पार्ट जो है स्टोमियम कहलाता है, तो यहाँ वाले पार्ट में जो इंडोथीसियम होती है, ये इंडोथीसियम यहाँ तक आई, तो जहाँ से इसको फटना होता है वहाँ पर इंडोथीसियम थोड़ा पतली हो जाती है। बाकी स्टूडेंट यहाँ पर ये इंडोथीसियम पतली हो जाती है, और पतले होने के बाद यहाँ पर फट जाती है, क्योंकि यहाँ से पानी निकल जाता है, इनमें इवेपोरेशन हो जाता है और सिकुड़ जाती है। जैसे सिकुड़ती है तो सिकुड़न की वजह से खिंचती है और यहाँ से डिस्टेंस हो जाता है, यानी फट जाती है स्टोमियम वाले पार्ट से। स्टोमियम का मतलब मुख वाला पार्ट है। तो यहाँ से दोनों स्पोरेंजियम के स्पोर्स निकल करके बाहर आ जाते हैं, इधर से निकल आए, इधर से निकल आए, तो इस प्रकार से डिस्टेंस हो जाता है। अब ये इधर उधर पड़े रहेंगे और डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, ये इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते हैं, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, यानी पॉलन ग्रेन बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं।
स्टूडेंट माइक्रोस्पोर चूंकि मियोसिस के द्वारा बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से, इसलिए ये हैप्लॉयड होते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, एन होते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंड्रूशियम एंड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। थैंक्स।